और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी अभय पराशर का, जो कि दिल्ली में मौजूद है। अभय, केवल 5 मिनट का वक्त बचा है, तो अब जबरदस्त तरीके से तैयारी है नए साल के स्वागत की। देखिए बिल्कुल पंकज, 5 मिनट का वक्त बचा है, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। और यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल को, क्या बोलना चाहेंगे? बस आप सबको यही बोलना चाहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। देखिए और भी यहाँ पर लोग हैं, किस तरीके से आप लोग नया साल मना रहे हैं? 5 मिनट का वक्त रह गया है, क्या बोलना चाहेंगे सभी को? बस सबको ये बोलना चाहेंगे दैट हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हम तो बहुत एक्साइटेड है, मतलब द फूड इज गुड, द एम्बियंस इज गुड, एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। एंड या अच्छा, सभी एक्साइटेड हैं, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंंगे? आप लोग सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ? या वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, आर्डर इट्स कम्प्लीटली फैमिली एंड यंग पीपल एज वेल, दे कैन एंजॉय, किड्स एज वेल दे कैन एंजॉय, इट्स अ ग्रेट प्लेस, दैट्स ऑल, थैंक यू। क्या क्या किस तरीके से आप लोग जश्न मना रहे हैं? अब तो बस 12 बजने ही वाले हैं। हम लोग जश्न मना रहे हैं, बट वन थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। देखिए इस तरीके के मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं यंगस्टर्स की, गो कोरोना गो, क्या बोलना चाहेंगे? आप लाइव है, क्या बोलना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जिंदगी जितनी भी है खुल के जियो यार, हैप्पी न्यू ईयर। एक डॉक्टर भी है, एक यहाँ पर एक डॉक्टर है, उनके बारे में बताऊँ? आप बता रहे थे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और कोरोना इतना टाइम से आप लोगों ने देखा है, डॉक्टर से क्या बोलना चाहेंगे? दो साल से न्यू ईयर हम मना नहीं पा रहे, लेकिन अभी एक दो साल से इसका आप सबको वैक्सीन मिल गया है। अगर किसने अपना बूस्टर डोज नहीं लिया, बूस्टर डोज आपको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, तो आप हम सबकी। ठीक है अभय, श्रुतिका, केवल 3 मिनट का वक्त बचा है। जी देखिए 3 मिनट का वक्त बचा है और सभी के सभी डांस फ्लोर पर पहुंच गए, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी लोग डांस फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और सभी के सभी यहाँ पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और सभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो गाने बज रहे हैं उसपे अलग ही जोश है, सभी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, अलग खुशी का माहौल यहाँ पर है। 3 मिनट बचे हैं, कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे? 3 मिनट बचे, एक्साइटेड फॉर द न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सभी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं और देखिए छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हैप्पी न्यू ईयर के विशेष, हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए छोटे बच्चे बड़े सभी यहाँ पर, हैप्पी न्यू ईयर। आप कुछ कहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम सेंट लुइस, सेंट लुइस। तो देखिए सभी यहाँ पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, मेरे चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ रंग है, थिरकते हुए लोग हैं, खुशियाँ हैं और हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, हर आयु से यहाँ पर लोग हैं, परिवार के साथ में है, सभी बच्चे यहाँ पर हैं, उनके माता पिता यहाँ पर हैं, सभी परिवार यहाँ पर हैं और देखिए सब के सब यहाँ पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जोश यहाँ पर दुगना हो चुका है, क्योंकि अब 2023 कुछ ही पल दूर है, कुछ ही पलों में हम 2023 में चले जाएंगे और 2022 को हम यहाँ बिल्कुल, तो काउंट डाउन अब शुरू हो गया है, यानी केवल 1 मिनट बचा है, बस अब इंतजार खत्म हो गया है नए साल 2023 का। धमाकेदार स्वागत कीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! तो आप सबको नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद, आप सबके लिए नया साल शुभ हो, बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप सब स्वस्थ रहें, यही कामना है इंडिया टीवी की तरफ से भी। हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, जरा नम्रता आपके पास आना चाहेंगे, नया साल आ गया है और हम चाहेंगे वहां की तस्वीरें सीधी आप दिखाएं। जी बिल्कुल, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2023 में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर उत्साह आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं और
सभी आप पटाखों की आवाज सुन सकते हैं कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर एक परिवार भी है, पूरे जोश से हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कि लोगों में जबरदस्त उत्साह, 2023 की शुरुआत हो चुकी है, हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, पटाखों की आवाज आपको सुनाई देगी, पटाखे आतिशबाजी यहां पर की जा रही है। अगर हम आपको दिखा पाए तो ऐसे भी अगर आप देखें कि यहां पर हजारों लोग अब नए साल का जश्न सब जगह जाते हैं। जोयता, हम चाहेंगे कि आपके वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी अगर हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहें। यहाँ पर सुन सकते हैं कि वाइब कैसी है, लोग यहाँ पर बिल्कुल इतने उत्साहित हैं 2023 को के स्वागत के लिए। स्टेज पर गुरमीत और देबिना है, जहाँ फैंस के साथ वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं, नाच गाने के साथ हर दुख को पीछे छोड़कर, हर डिप्रेशन, हर नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर लोग यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लोगों ने अपने आप को बिल्कुल नए माहौल में, नए साल में ढाल लिया है और बहुत ही खुशी, बिल्कुल नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अतुल, आप शायद मेरी आवाज सुन पाए क्योंकि आपके वहां म्यूजिक ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर लोग वहां से हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहें। जी देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, सामने लेजर लाइटिंग शुरू हो चुकी है, आतिशबाजी दूसरी तरफ शुरू हो चुकी है, और जो फैमिली में खासतौर पे बच्चों के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बेहद ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है। खासतौर पे इंडिया टीवी पे जब से इन्हें पता चला है कि यहाँ पर इंडिया टीवी की टीम है, तो सभी आके यहाँ पे परिवार के साथ खड़े हो गए। क्या कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलो, विश करेंगे आप? यस, हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ फॉरनर्स भी हैं, उनसे भी हम आपसे तारुफ करा दें। Where are you from? We are from Russia. This is your first visit to India? Absolutely. How do you like? We are excited about it. We feel so happy to celebrate New Year here on this place. Why have you selected Mumbai to celebrate New Year? Because we wanted something different, something special. We wanted to visit a vibrant city full of colors, full of different people. So that's what we got, an experience. भारत के जो रंग हैं, अलग-अलग जो रंग हैं, वेशभूषा है, खान-पान है, उसको देखकर काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो रशियंस आपने देखा, कपल वहां पर है, वो कह रहे हैं कि हमने इसीलिए खास तौर पर सोचा कि नया साल मनाने के लिए भारत में आए। दिनेश मौर्य, दिनेश, भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है कि पूरे विश्व में, पूरे देश में हर कोई खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। आप शिरडी में इस वक्त जी, देखिए जैसे ही नए साल का आगमन हुआ, यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद है वो साई बाबा की जय के नारा लगाने लग गया। इन्हें पता है कि साई का सहारा बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो चौकट है जहाँ पर जो है सभी दुखों का हरण होता है, नए साल में खुशियाँ आएगी। इन भक्तों से बात करता है, बताइए नया साल आ गया, क्या कहना चाहेंगे, कैसे विश करेंगे? दो दिन से लाइन में खड़े हैं, बताइए क्या कहना, कैसे विश करेंगे सारे लोगों को? सबको खुशियाँ मिले, सबका हरा भरा साल जाए, यही साईं बाबा की चरण हमारे प्रार्थना है। क्या कहेंगे बाबा से, क्या मांगेंगे आज? 10 लाख करोड़, सबके लिए खुशियाँ, सबके लिए खुशियाँ मांग रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे साथ में कतार भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए जैसे जैसे वक्त करीब आया, उसके बाद भक्तों की भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। करीब जो है अभी रात भर जो है इसी तरह से जो है, तो भारत की खासियत है, एक तरफ जश्न हो रहा है, दूसरी तरफ भगवान से प्रार्थना करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग साईं के दरबार में। हमारे साथ नीतीश चंद्र है। नीतीश, शायद अब आप मेरी आवाज सुन पाए, क्योंकि जहां आप हैं वहां जबरदस्त जोश, डांस, सब कुछ हो रहा था। अब चूंकि नया साल आ गया, अगर नया साल विश करना चाहें लोग? नीतीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, देखिये जैसे ही 12 बजा उसके बाद जो है यहाँ जबरदस्त जो है शोर हुआ, और जो मस्ती है और दुगुनी हो गई। और देखिए किस तरह से 12 बजे के बाद से, और लोग कह रहे हैं कि ये पूरी रात जो है ये डांस चलता रहेगा, आज पूरी रात डांस होगा, पूरी रात डांस होगा। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू 2023, सबको अच्छे से रहिए, नया साल बहुत अच्छे से बीते सबका, सबको अच्छे से बीते। Happy New Year, enjoying a lot. Yeah. 2023 के लिए
हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल। तो जरा आप चंडीगढ़ का भी रुख करते हैं, पुनीत परिंजा वहां पर हैं। पुनीत, हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लोग बेहद खुश हैं, नए साल का जबरदस्त तरीके से उन्होंने आगमन किया एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, इस वक्त चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी लोग जबरदस्त तरीके से नए साल का जश्न जो है यहाँ पर मना रहे हैं। नए साल के यहाँ पर सोंग जो है वो चल रहे हैं। पंजाब की एक अलग ही एक खास अदर होती है भांगड़े की, और एक वक्त आप देख सकते हैं कि हुडी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी हुडी कर रही है। इस तरह से ये आप तस्वीरें चंडीगढ़ की आप देख रहे हैं यहाँ पर, और नए साल का स्वागत जो है यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर नए साल का जश्न किस तरह से मना रहे हैं आप? बस हम ड्यूटी कर रहे हैं अच्छे से, बस कंट्रोल कर रहे हैं सारे क्राउड को, वही कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हमारा एंजॉय ऐसे ही है जी, एंजॉय कर रहे हैं अपने साथ, बढ़िया करते हैं एंजॉय। एक नंबर बात करने की आपसे कोशिश करूंगा पंकज, यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, नया साल किस कितने खुशी? हाँ जी, कितनी खुशी नए साल की? नए साल की कैसे मना रहे हैं नया साल? प्लान तो चल ही रहे हैं फिलहाल, तो जस्ट अभी क्लब में आया है, बाकी देखो क्या बनता है। तो आप देख रहे हैं हर तरफ खुशियां नजर आ रही है, लोग बेहद खुश हैं नए साल का स्वागत करते हुए। जोयता भी हमारे साथ मुंबई से है, जोयता बेहद खुश हैं लोग, और 2023 बहुत सारी खुशियां लेकर आए, सबको स्वस्थ रखे यही कामना कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब हम लोगों से बात कर रहे थे, सबको सबके मन में सबके दिलों में यही चाहत है कि 2023 जो है वो कोरोना फ्री हो और लोगों के जिंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि सभी खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। और आज का जो ये माहौल जो हमको देखने को मिला है वो कमाल का है, क्योंकि इतनी भीड़, इतने लोग अपने परिवारों के साथ जो आए हैं और सब कुछ भूल कर सब प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। और मुंबई बहुत ज्यादा हर चीज में हर वक्त जो है बहुत लाइवली रहता है, और आज भी ऐसा ही माहौल हमको देखने को मिला है। बिल्कुल, और श्रुतिका आपको मैं देख रहा हूँ लगातार मुस्कुरा रही हैं आप, बहुत मुश्किल काम करना होता है रिपोर्टर्स को, आप सभी लोगों को, लेकिन बहुत वक्त के बाद, चूंकि दो साल बहुत मुश्किल वक्त देखा है, और ये खुशियां आई, और अब हर कोई ये कामना कर रहा है कि 2023 बहुत अच्छा जाए पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। देखिए पंकज, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, मेरी मुस्कुराहट का कारण ये लोग भी है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर खुशियों में झूम रहे हैं और नए साल में हम पहुँच चुके हैं। देखिए अभी 2022 में थे और 2023 में हम आ चुके हैं, तो ये लोग जो खुश यहाँ पर हैं, क्योंकि पिछले दो साल लगातार हमने कोरोना का दंश झेला है, और आज जब लोगों को यहाँ मैं खुशी मनाता देख रही हूँ तो एक अलग ही मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है, और हमारे दर्शक भी आज जब सबको देख रहे होंगे यहाँ पर तो अलग ही खुश होंगे कि हम अब आगे जब बढ़ रहे हैं 2023 की तरफ, तो वो 2023 जब इस बार आएगा जिसमें हम आ चुके हैं, वहाँ अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और अब कोरोना हमें शायद ना सताए, यही हमारी इस बार उम्मीदें हैं, यही हमारी दुआएं हैं, और इसीलिए यहाँ पर लोग भी इतनी संख्या में जुटे और खुशियों के साथ में यहाँ पर झूमते रहे और अभी भी यहाँ पर झूम रहे हैं, लोगों में अलग ही जोश और उत्साह है। समझ सकता हूँ लोग कितने खुश हैं, जरा गोवा की तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। नया साल का जश्न हो और गोवा की हम बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। गोवा में भी जबरदस्त माहौल इस वक्त है नए साल का इस्तकबाल गोवा के लोग करते हुए, और पूरे देश भर से लोग, बल्कि बाहर दुनिया से भी लोग आते हैं गोवा, और आप देखिए वहां का क्या आलम। तो
गोवा का ये रंग और उसके साथ साथ हम दुनिया भर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑकलैंड जहां सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है, सिडनी हार्बर ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें, ताइवान, हांगकांग, वेटिकन सिटी, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड की तस्वीरें बेहद खूबसूरत बैंकॉक की। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो वहां की भी तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभय पराशर भी हैं। अभय, आज शायद लोग घर नहीं जाना चाह रहे हैं, आप जिन लोगों से बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि आज सारी रात पार्टी करेंगे। प्रेम चलिए अभय के पास हम जाएंगे, अभय के पास थोड़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। पुनीत, जरा आप क्या बता रहे हैं, लोग आज घर नहीं जाना चाह रहे, आप भी लोगों से बात कर रहे थे? म्यूजिक इतना लाउड है कि हमारे रिपोर्टर्स तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की एक क्लब जहां पर इस वक्त मौजूद है पुनीत पंजा। आप देखिए, लोग उनसे कह रहे थे कि वो आज घर नहीं जाएंगे, सारी रात पार्टी करेंगे। तो ये आलम है खुशी का, नए साल का इस्तकबाल किस तरीके से हो रहा है। चंडीगढ़ की आप तस्वीरें देखें, पूरा क्लब खचाखच लोगों से भरा हुआ है। हालांकि एहतियात बरते लोग, ये लगातार एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से ये कहा गया था, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अगला जो साल आया है, अब ये 2023, वो अब उसमें खुशियां ही खुशियां हों और सब स्वस्थ रहें। और फिर आप देखिए दुनिया भर के देश जहां पर नए साल का आगाज हुआ, सबसे पहले न्यूजीलैंड। भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले वहां पर नया साल मनाया जाता है, और वही आज भी हुआ। स्काई टावर, रंग बिरंगी आतिशबाजियां छोड़ी गई और पूरा आसमान ऑकलैंड का उस रोशनी से नहा गया। और फिर सिडनी हार्बर ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके अलावा ताइवान, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी हुई। फिर हांगकांग, वेटिकन सिटी, पोप की सिटी है, वहां पर आप देखिए किस तरह से चर्च के अंदर जाकर लोगों ने प्रार्थना की। और फिर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, और उसके अलावा दिल्ली, साथ ही साथ कोलकाता। फिर पहाड़ों की बात करें, मनाली, कोची और श्रीनगर की तस्वीरें। अब जरा हम आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। नम्रता, आपके पीछे जो तस्वीरें हैं हम देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत मरीन ड्राइव की अब जरा हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लोग अपने अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचते हुए, ये मुंबई का आलम है। मुंबई वैसे भी रात भर सोती नहीं है और इकोनॉमिक कैपिटल है, और उसके अलावा माया नगरी है, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है। और यहाँ आप देखिए लोग जो हैं सड़कों पर आ गए हैं और घर वापस नहीं जाना चाहते। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है मैरिन ड्राइव, और ये सबसे खूबसूरत जगह है मुंबई की जहाँ की आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए लोग कितने खुश हैं और नए साल के स्वागत कर रहे हैं 2023 का। और 2022 की अगर बात करें, हालांकि 2022 जो है अगर 2020 और 21 के मुकाबले देखें तो थोड़ा ठीक गया, और अब पूरी लोगों की ये कामना है ईश्वर से कि अगला साल जो ये आया है 2023, ये बहुत सारी खुशहाली लेकर आए, सबको स्वस्थ रखे, ये कामना। आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से लाइटों से सजाया गया है पूरा जो ये मरीन ड्राइव का इलाका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।